अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग्स। खबर यह है कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके दुआ जहरा को बाजियाब करा लिया गया। दुआ जहरा और उसके मुबैना शौहर जहीर को भावलनगर से बाजियाब कराया गया है। ये पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस की मुश्तरक कार्रवाई थी जिसमें उन्हें बाजियाब कराया गया। ये जो कार्रवाई है ये भावलनगर के एक नेबरहुड में की गई थी, एक लोकेलिटी में की गई। वहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियन आबादी है। पंजाब पुलिस की जो लोकल पुलिस है उनका ज़ाहिर एक इन्फॉर्मेशन का जाल है, तो उसमें उनको पता चला कि यहाँ पर एक कपल है जो कि अभी रिसेंटली आया है, और उसका जो लड़की है उसका हौलिया उन्होंने दुआ जहरा का हौलिया की तरह बताया। दुआ जहरा को पुलिस ने प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया है, और इस बात की तस्दीक एंटी वायलेंट क्राइम सेल कराची में जो SSP ज़ुबैर नज़ीर शेख हैं उन्होंने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि दुआ जहरा और उसके जो मुबैना हस्बैंड हैं ज़हीर अहमद उनको पुलिस ने प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया, यानी कि हिफाजती तहवील में ले लिया है, और अब उनको अदालत में पेश किया, कराची लाकर उनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि दुआ जहरा जो कि मिसिंग थी और बाद में उनकी वीडियो आई थी कि जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने शादी कर ली है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो अब इस बात में कहाँ तक हकीकत है या नहीं है, ये जब सिंध हाई कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा तो ये सारा सच वहाँ पर सामने आ जाएगा।